हमें परमिट करते हैं कि आप घर से बाहर निकलो, अपनी दुनिया बनाओ, इस बात का आदेश देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक क्लैपिंग अपने अपने पेरेंट्स के नाम पर एक जिन्होंने चौथ पकड़ाया होगा, आपके छोटे छोटे प्यारी प्यारी उंगली को पकड़ के जिसने कुछ लिखना सिखाया होगा, बैठना सिखाया होगा, आप कितने छोटे बच्चे हो गए और पहली बार जब आपके पहले टीचर आपकी उंगली पकड़ते हैं, थामते हैं, कुछ कहते हैं, डांटते हैं, प्यार करते हैं, आप सोचो कि वो कितने महान। हम इन कोर्स ऑफ टाइम हम ऐसे दिव्य आत्मा को थोड़ा भूलते हैं, वो मार्जिन पर चले जाते हैं, लेकिन उनकी भूमिका, उनका योगदान हम कम नहीं कर सकते। आप जब बड़े होते हो, कुछ लिखना पढ़ना आता है तो बड़ी बात करते हो, लेकिन हर बात की शुरुआत उस प्राइमरी टीचर से है जो पहली बार हमारी उंगली में वो चौक हो या पेंसिल हो वो डालते हैं और बहुत ही धैर्यपूर्वक आपको सिखाते हैं और अल्फाबेट से कहानी शुरू करोगे। तो शुरुआत करने वाले हम उन सारे शिक्षकों को नमस्कार करते हैं और हम चाहेंगे कि आप उनके सम्मान में एक क्लैपिंग उनके सम्मान में। कहते हैं दुनिया भ्रष्ट हो गई है, बच्चे भ्रष्ट हो गए हैं, जवान बच्चे भ्रष्ट हो रहे हैं, जवान व्यक्ति हाथ में नहीं है, बाहर निकल गए हैं, बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं, बहुत तरह के लोग शिकायत करते हैं, लेकिन मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे कभी नहीं लगा कि यहाँ जो बच्चे आते हैं वो उतनी ज़्यादा शिकायत का मौका देते हैं। आप कितने शालीनता से रहते हो, कितना धैर्य रखते हो, जो आपकी उम्र है, जो आपका काल है, जो आपका समय है, उसके हिसाब से थोड़ा नटखट बिहेवियर हो सकता है, हर इंसान करता है। जहाँ सर के पास बैठे हो तुमको लगता नहीं कि क्या सर से वो नटखट काम नहीं हुए होंगे, हर आदमी करते हैं। तो उन बातों को छोड़ दिया जाए तो आप एकदम शालीन हो, एकदम शब्द हो और संस्कारी भी हो, आपके संस्कार पर कोई शक नहीं कर सकते। हम आपको एकदम थैंक्स करते हैं और मेरी क्लैपिंग और आपकी भी क्लैपिंग आपके ही नाम जाती है। कोई भी ये जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कितना खूबसूरत दिन है, जानते हैं यही एक मुल्क है, यही एक देश है जहाँ पर किसी ऐसे महान आत्मा के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। सोचिए इससे बड़ी इज्जत क्या होगा। लोग कहते हैं कि शिक्षकों की इज्जत नहीं, उनका सम्मान घट गया। सम्मान शिक्षकों का नहीं करता, सम्मान हर उस इंसान का घटना भी चाहिए जो इंसान इस सभ्यता को विकसित करने में अपनी भूमिका नहीं निभाता, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र का काम करते हो। यदि वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं तो उनका सम्मान घटना ही चाहिए और घट जाता भी। आप ऐसे मुल्क में रहते हो जहाँ बहुत वैरायटी थी विचारों की, बातों की, आदतों की, नहीं हैबिट्स की, हॉबीज की, एक्टिविटीज की, एटीट्यूड्स की, भोजन की, फूड्स की वैरायटी है यहाँ पर, खाने पीने की वैरायटीज है, कलर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट वेदर्स हैं, डिफरेंट मानसूनस हैं, क्लाइमेट आपका बहुत अलग अलग है, अनंत नदियाँ हैं, ढेर सारी अनगिनत नदियाँ यहाँ बहती हैं, समुद्र से भी घिरे रहते हैं, चारों बगल पहाड़ भी है, पठार भी है, कितनी अच्छी भूमि पर खेती होती है, किसानों का चेहरा देख लो, कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो सक्सेसफुल आदमी हैं उनका चेहरा देख लो, तरह तरह के शिक्षक हैं यहाँ पर, कितनी असमानता होने के बाद भी कितनी एकता है यहाँ पर। आपको ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो है सो एकदम साधारण पैजामा में पढ़ाते हैं, कभी कभी तो मैंने लुंगी में पढ़ाते हुए शिक्षक को गांव में देखा है। तो यहाँ शिक्षक लुंगी में भी पढ़ाते हैं, पैजामा में पढ़ाते हैं,
ये